बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ट्रैवलर चैनल। मैं हूं सफ़ीर अहमद, आपके साथ इस वक्त मौजूद हूं इंडोनेशिया के खूबसूरत से गांव सिरीबोन बाबाकान। जनाब ये पीछे मेरे स्टेशन आप देख रहे हैं बाबाकान, और मेरे साथ है वसीम खान साहब कराची से। जी जी जी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं जनाब, बताएं। हम लोग जा रहे हैं बाबाकान से समारंग जा रहे हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत अच्छी है। अभी देखेंगे, पहली बार ही जा रहे हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ जी। तो लेट्स गो, ट्रेन का इंतजार करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन के अंदर का भी रिव्यू आपको देते हैं। हमारे साथ आपने रहना है, जाना नहीं, इंजॉय करना वीडियो को आखिर तक। लेट्स गो। चढ़ यार, छोड़ ऊपर से, अंदर से रास्ता मिलेगा। हाँ अंदर अंदर से जाएंगे ना, अंदर से। ये ना यार इकोनॉमी 5 है, 5 नंबर डब्बा है, फूट 5 नंबर। अबे 5 नंबर है यार, इधर पता तो चले कहाँ है डब्बा। अबे इधर 19B उधर ही है, लड़कियों की तरफ बाहर से चलेंगे। तो बंद है, नीचे से आ जा, मैं चल तो नहीं जाएगी। इसको देखा शंकर जी, इससे तो तुम क्या आ रहे हैं, इससे पूछ डब्बा नंबर। अबे आगे जा रहे नहीं है, इधर है यार, नहीं उससे दिखा है, उधर ही है। देखो ना ABC 19 नंबर, हम सही में आए थे। 17, 18, 19 तो लड़कियां बैठी हैं, इधर कहाँ बैठेगा तू। तो जनाब तकरीबन आधा सफ़र गुजर चुका है और सफ़र अच्छा जा रहा है। मैं आपको किराया बता देता हूँ, बाबाकान स्टेशन से लेके समारंग तक 49,000 रुपीज़ जो इंडोनेशियन है वो हमने पे किए हैं टिकट के। लेकिन टिकट सस्ता है, लेकिन यह है कि इसकी सर्विस भी बड़ी थकी हुई है। जो लास्ट टाइम मैंने ट्रेन यूज़ की थी जकार्ता से सिरीबोन के लिए, वो बड़ी आला क्लास की थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, साफ़ सुथरी थी। इसमें थोड़ा सा पुराना सिस्टम आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको मज़े की दिखाऊँ, यहाँ पे स्प्लिट एसी लगे हुए हैं, स्प्लिट एसी जो कि आपको घरों में मिलते हैं या ऑफिसेज में, लेकिन यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। यहाँ ऊपर देख सकते हैं स्प्लिट एसी लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसी की एसी की हवा, लेकिन ठंडा है, ठंडा मौसम बेहतरीन है और ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे जो है सफ़र मिलजुल के होता है, लड़के लड़कियाँ सेम एक ही ट्रेन में एक ही सीट पे बैठ जाती हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो, देखते हैं समारंग पहुँच के क्या है क्या नहीं है। लेट्स गो। अच सिख मित्रा दिवा देरी ए, क्यों दिलड़ी उदास गने भाई। लोग हम पहुंच चुके हैं समारंग पंचोल, और अब देखते हैं हमने कहां जाना है, क्योंकि हमने बुकिंग नहीं की थी स्पेशली, अभी बुकिंग करेंगे। और ये पीछे है मेरे स्टेशन, तो लेट्स गो, देखते हैं कोई नज़दीकी होटल। जी जनाब, तो सुबह हो चुकी है जनाब, रात अच्छे से गुजर गई और हम पहुंचे हैं समारंग की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी मस्जिद। क्या नाम है इसका? ये मस्जिद तंजुंग। नहीं नहीं, तंजुंग थोड़ी है, तंजुंग सेंट्रल जावा मस्जिद। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, उंगल मस्जिद है, उंगल नहीं है। उंगल कुछ लिखा हुआ था, तंजुंग ही, तंजुंग। ये देखो एक सेकंड, मस्जिद अगुंग जावा तिंगा। हम पहुंच चुके हैं जनाब, अब देखते हैं कि मस्जिद ओपन है कि नहीं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है और हमें काफ़ी वॉक करनी पड़ेगी। लेट्स सी, आपको
जनाब यहाँ पे आपको ख़ास चीज़ दिखाता चलूँ, यहाँ पे मैंगो के बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह गिरे हुए हैं काफ़ी सारे मैंगो। और ये देखें आप, ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे इस तरह से आम लटक रहे हैं, अल्लाह की नेमतें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देख सकते हैं आप ये सारे दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे, आम ही आम है यहाँ पे, मैंगो ये देखें, छोटी छोटी अमड़ियाँ कितने नीचे से दरख्त लटक रहे हैं आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे आपको नज़र आएंगे आम। जनाब तो मस्जिद के दरवाज़े बंद हैं, लेकिन ये है कि भाई साहब हमारे को लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिद में खोल देता हूँ आपके लिए, तो देखते हैं। ये मस्जिद का आता है यहाँ पे, लेकिन ये कि मस्जिद काफ़ी वसी और तवील मस्जिद है, जैसे कि पहले भी आपको दिखा चुका हूँ इस्तिकलाल मस्जिद जकार्ता, इस तरह की काफ़ी मस्जिद बड़ी खूबसूरत सी है बनाई गई हैं। वो है मस्जिद क्या, वो तो नहीं है, ओ ये रास्ता है, ओ अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अजने भाई लोग तो हम आ चुके हैं ट्रेन में, उसकी वजह यह है कि समर रंग बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सूरबाया की टिकट ले ली और हम जा रहे हैं अब सूरबाया, और सूरबाया एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी देखते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। वसीम साहब मेरे साथ ही हैं, इंशाल्लाह सफ़र अच्छा रहेगा, ट्रेन ज़बरदस्त है, जो कल वाली ट्रेन थी बिल्कुल बेकार सी ट्रेन थी, वो एयर लंगा थी कि नंगा थी मुझे नहीं पता, ट्रेन का नाम ये कहते हैं एयर लंगा, बहरहाल ये बड़ी अच्छी ट्रेन है, तो स्टे कनेक्टेड, 4 घंटे 15 मिनट का सफ़र रहेगा ट्रेन में, उसके बाद सूरबाया पहुँचते हैं। भाई लोग तो हम अभी आए डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया में हम करने लगे लंच, क्योंकि यहाँ पे लंच का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे लंच आपको पता है रेडी लंच मिलता है, नासी गोरेंग और बासो बासो बासो, अभी आएगा तो आपको दिखाते हैं, तो है एक्सपेंसिव थोड़ा सा, लेकिन ये कि अच्छा है। बहरहाल ये देख सकते हैं सारा डाइनिंग टेबल है, और ये ट्रेन हॉस्टेस आप कह सकते हैं यहाँ पे, ये पीछे भी ट्रेन हॉस्टेस है यहाँ के, तो बहरहाल सफ़र अच्छा जा रहा है, लेट्स गो देखते हैं आगे का सफ़र। नाम तो ये आ चुका है हमारा लंच बासो, और ये एक है 25,000 रुपये का, इंडोनेशियन 25,000 रुपये, और ये मेरी कैपुचिनो कॉफ़ी
और ये 500, और इसमें साथ सॉस चिली और सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो 25,000 रुपये का लंच एक बंदे का जनाब, इतना एक्सपेंसिव नहीं है अगर देखा जाए ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में हमेशा चीज़ें महंगी होती हैं। भाई लोग तो पहुंच चुके हैं हम सुराबाया, वेलकम टू सुराबाया जनाब। और सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा ट्रेन का, इनके सफ़र जो है ना बहुत ही अच्छा रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा 4 से 5 घंटे कैसे गुजर गया आपको पता चला। ऐसे जैसे मज़ा आया वसीम भाई इस ट्रेन में, ऐसे जैसे ग्रैब टैक्सी में जा रहे हैं। बेहतरीन ज़बरदस्त, टैक्सी में भी नहीं यार, जियाज की बात करो यार, जैसे प्लेन में जा रहे हैं, जियाज जैसा मज़ा था। बहरहाल अभी हम सुराबाया पहुँचे, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में नई जगह पे। स्टे कनेक्टेड जनाब, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिल डी उदास गने शौक चंगेरी।